नमस्कार, मैं हूँ श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे आनंद दिग्गजय के बारे में। आज उनका पुण्यतिथि भी है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि दीवा पाटिल के नाम से एयरपोर्ट के नाम को घोषणा होने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार जो है, सिंध सरकार जो है, घोड़बंदर रोड, जो थाने में घोड़बंदर रोड है, उसको आनंद दिग्गजय का नाम देने जा रही है। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, ये कितनी सच्चाई है इसमें? सर, पहले तो मैं आपको एक अच्छी खुशखबर देना चाहूँगा कि हमारे मराठी चैनल अनिल थत्ते गगनबेड़ी में जब ये विवाद उठा था कि नवी मुंबई का जो नया हवाई अड्डा बन रहा है, एयरपोर्ट, उसका किसका नाम दे, तो शुरू में बाला साहब ठाकरे के नाम के लिए शिवसेना ने बहुत ये किया था, मगर बाद में ऐसा हो गया कि लोगों ने बोला कि भाई समृद्धि महामार्ग जो है उसको तो उनका नाम दिया है, मतलब एक बड़ी किसी चीज़ के लिए उनका नाम दिया है, तो अभी ये जो हवाई अड्डा है उसका नाम वहाँ के कोई स्थानिक एक नेता से नाम से रखना चाहिए, और उसके लिए अग्री समाज स्पेशली दीवा पाटिल साहब के नाम से बहुत आग्रह था, मगर ऐसा हुआ कि थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में वो ये नहीं हो रहा था उसके बारे में, थोड़ा आगे पीछे हो रहा था, और शिवसेना भी थोड़ा बाला साहब के लिए ये कर रही थी। सर, दीवा पाटिल बारे में थोड़ा बताएंगे कि उनका दीवा पाटिल जो है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं मालूम कि दीवा पाटिल जी कौन थे। दीवा पाटिल खासदार भी थे, आमदार भी थे, मेरे ख्याल से चार बार वो आमदार चुने गए। पार्टी से? पार्टी उनका शेखा पार्टी कर रहे, शेखा पक्ष, शेखा नहीं नहीं शेखा पक्ष, शेतकरी कामकरी पक्ष उनका पक्ष था, शेतकरी कामकरी पक्ष। तो सर, पहले गढ़ माना जाता था तुम्हारा, अलीबाग, पनवेल, पेण, ये सब एरिया जो है उनका गढ़ माना जाता था। और सर, उनकी विशेषता मैं ये बताऊं दीवा पाटिल जी की, कि इतना निस्वार्थ बुद्धि से लोक सेवा करने वाला और जागरूक, बहुत जागरूक मतलब, और बहुत संवेदनाशील। वो तो सर पनवेल, पेण, अलीबाग, वो जो एरिया है कुलाबा डिस्ट्रिक्ट, अभी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहाँ से सर उनको देव मानुष बोला जाता था, मतलब भगवान जैसा उनका ये होता था। हाँ, सही बोले आपने कि यहाँ जो आनंद दिग्गजय को ये थी, और आनंद दिग्गजय कभी संसद में या इसमें नहीं गए, दीवा पाटिल गए, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया जीवन में, और उसमें संघर्ष हमेशा आम आदमी के लिए रहा। तो सर, वो उनका जो एक ये था, स्थान था लोगों के दिल में, उसके हिसाब से सिर्फ अग्री कास्ट के लोग नहीं सर, सभी जाति धर्मों के लोग बोलते थे कि भाई ये नई मुंबई में हो रहा है, भूमिपुत्र जो है उन्होंने ही ज़मीन दी है, ये ज़मीन कहाँ से आई है, भूमिपुत्रों ने दी, और उन भूमिपुत्रों के लिए जो भगवान स्वरूप है, देवता स्वरूप है, उन दीवा पाटिल साहब का नाम देना चाहिए, और ही डिजर्व इट। भाई बाहर से लोग आएंगे, फॉरेन का ये इंटरनेशनल है, आएंगे पूछेंगे ये दीवा पाटिल कौन है, तो उनको मालूम पड़ेगा कि ये एक ऐसा भूमिपुत्र में सुपुत्र है कि जिसने लोगों के लिए ऑलमोस्ट ऐसी लड़ाई लड़ी है कि जिसका नाम अमर हो चुका है, तो वो ज़रूरी था। और उसमें खुशखबरी है, मैं बोलूँगा कि उस समय मैंने मेरे मराठी चैनल पर मेरे ख्याल से कम 3 या 4 वीडियो फुल साइज़ ऐसे बनाए थे, 30-35 मिनट के, कि जिसमें मैंने दीवा पाटिल ही नाम देना चाहिए इसके लिए बहुत आग्रह किया था, और ये भी बोला था कि इसमें जिम्मेदारी बनती है सरकार की, कि भाई बाला साहब का दे दिया है आपने, और भी कहीं दे सकते हैं, मगर ये नवी मुंबई है, वह भूमिपुत्रों की राजधानी है। तो आज सुबह मुझे उनका बेटा है दीवा पाटिल साहब का, अतुल करके, उसका फ़ोन आया, मुझे बोला कि आपने जिस तरह से आपके चैनल में हमारे लिए ये किया, प्रचार किया और युक्तिवाद किया और बहुत सारा कवरेज आपने दिया, उसके लिए मैं आपको आभारी मानता हूँ। जिन 10 लोगों की वजह से ये दीवा पाटिल नाम दिया गया इसको, उसमें से एक आप है, ऐसा मेरी ये है, और उन्होंने बहुत सारे फ़ोटो भी भेजे मुझे, ये उनका निर्णय महापालिका इसका विधानसभा में आने के बाद दीपा पाटिल साहब बहुत सारे फ़ोटो भेजे, उसमें फडणवीस साहब से लेके शिंदे साहब के लेके बहुत सारे लोगों के साथ भी उनके फ़ोटो हैं, और उन्होंने बोला कि हमारा जो संघर्ष था इसके नाम के लिए, वो कोई नाम नहीं है, वो एक सिंबल है, वो एक प्रतीक थे भूमिपुत्र के संघर्ष का, तो वो हो गया। अभी ऐसा है कि आनंद दिग्गजय का नाम, दिग्गजय साहब का नाम जो है वो कहीं ना कहीं बड़े एक प्रोजेक्ट को देना है, तो ऐसा एक प्रोजेक्ट
अभी इसमें है, संकल्पन में है, मगर वो सर थाना डिस्ट्रिक्ट के आसपास कहीं जुड़ा नहीं है। और कैसे दिघे साहब ये थाना डिस्ट्रिक्ट की प्रेरणा थे, स्रोत थे, आइकॉन थे, आइकॉन थे, आइडॉल थे, रोल मॉडल थे, तो थाना के आसपास कहीं उनको ये देना। सर थाना में बहुत सारे बिल्डिंग है ऐसे जहाँ पे धर्मवीर नाम होता है। सर आपको वन थर्ड रिक्शा, धर्मवीर नगर भी है, वन थर्ड रिक्शाओं पर आपको धर्मवीर लिखा हुआ मिलेगा। तो अभी तुरंत करने लायक चीज़ एक ऐसी है कि जो घोड़बंदर रोड जो वसई विरार की ओर जाता है फाउंटेन होटल तक, कापुर बॉडी से, तो उसको अभी मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों में दिघे साहब का नाम देने का प्रस्ताव आ जाएगा। और शिंदे साहब ही हैं, उनके शिष्य हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, तो मेरे ख्याल से अभी बहुत ही जल्द दिघे साहब का नाम घोड़बंदर रोड को दिया जाएगा और एक अच्छी और चीज़ अच्छी हो जाएगी। हमको शिंदे साहब का मैं एडवांस में ही धन्यवाद कर देता हूँ। धन्यवाद थे जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि दिघे साहब के नाम पर जो रास्ता बन नामकरण होने वाला है वो घोड़बंदर रोड पे, और बहुत जल्दी सुनने में आएगा कि घोड़बंदर रोड जो है आनंद दिघे मार्ग के नाम से फेमस होगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।